वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, ये वाली वीडियो हमारी डे टू के लिए रिकॉर्ड हो रही है और जिससे कि अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया उसके अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ये करूँगा कि प्राइस एक्शन बेस ये मैं एनालिसिस कंप्लीट करूँगा और इसमें स्ट्रेटजी की जगह मैं प्राइस एक्शन यूज करूँगा। और प्राइस एक्शन क्या यूज करूँगा वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल यूज करूँगा। प्राइस एक्शन बहुत सारी चीज़ आती है लेकिन मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सिंपल ब्रेकआउट पर ट्रेड करके दिखाऊंगा। स्ट्रेटजी का मेन रोल ये है कि वो हम जो एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन करेंगे वो 1 मिनट पर करेंगे और जो ट्रेड एक्सपायरी रहेगी वो 5 मिनट रहेगी। और इससे क्या है कि आपको 5 मिनट एक्सपायरी रखने का बेनिफिट ये है कि जो भी न्यू ट्रेडर हैं वो पेशेंस रखेंगे और दूसरा यह है कि ओवर ट्रेड से बचेंगे। जल्दी जल्दी होता है कि 1 मिनट की ट्रेड होती है तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड प्लेस कर देते हैं, तो इन सब से बचने का यही तरीका है कि हम अपना एक्सपायरी टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग अपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे लाइव अकाउंट को देख के थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये हम इस तरीके जैसे मैं कर पा रहा हूँ आप लोग भी कर पाएंगे। और हमारी वीडियो में खास बात ये रहती है कि हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, अपने सिंपल काम की बात करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है। ये हमारा URL है यूट्यूब का और ये वाली वीडियो जिसने नहीं देखी इसको भी देखेंगे तभी आपको ये डे टू की वीडियो समझ में आएगी। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो एक्सप्लेन किए हैं, ये वाली डे 50 तक ये सीरीज़ कंप्लीट की थी और कंप्लीट करने का मतलब यही दिखाया था कि यार जो लोग आपको कंफ्यूज कर देते ना बहुत सारा ज्ञान देके, उसकी अगेंस्ट हमने इतना सिंपल सेटअप यूज करके वीडियो बनाई थी। नॉलेज तो मैं भी आपको दिखा सकता था लेकिन यह है कि आपको यूट्यूब पर जो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है ना, तो मैंने इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको यही दिखाया था कि आप कितना सिंपल तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। और लॉस होता है तो यार आपको कितनी भी नॉलेज हो जाए तब भी लॉस होगा। आप यूट्यूब पे 1,000-10,000 वीडियो देख लेना, अगर आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ मैंने फेस की वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तगड़ी एक्सप्रेशन या तगड़ी नॉलेज वाली वीडियो नहीं बना सकता। बना सकता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स के हिसाब से बनाता हूँ किसको किस तरीके से यूज आएगी नॉलेज नहीं आएगी। तो मेरा फोकस ये रहता है कि जैसे हमारे प्रीवियस जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे भी जब ब्रूस ली का एग्जांपल देते हैं तो एग्जांपल उनका यही था कि यार एक चीज़ को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लो, 10,000 चीज़ों को एक एक बार प्रैक्टिस मत करो। तो कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में उनको हम डेली यूज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे वो लोग आगे बढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको कोटेक्स पर चलता हूँ। तो हम रेडी हो जाते हैं, मैंने जितने हमारे लाइव मार्केट के पेयर हैं वो मैंने उनको ऐड कर लिया। और गाइस यार आपको प्रीवियस चार्ट पर तो आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमारे चैनल की खास बात यह है कि आपको हम लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं लाइव अकाउंट से। आपने देखा होगा मोस्टली यूट्यूबर क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस प्रीवियस चार्ट पर जाएंगे और देखो यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर यहाँ ड्रॉ कर दिया उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया, फिर इसके बाद ये ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। लेकिन प्रीवियस चार्ट पे तो आपने देखा होगा, आपको यूट्यूब पे जितना भी सर्च करेंगे 1,000 वीडियो में से 99% वीडियो ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस चार्ट पे आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे, ये देखो ये होगा। आधे चैनल तो यूट्यूब पे इस तरीके से बने हुए हैं कि वो नेक्स्ट डे का बताते हैं कि इस तरीके से ये होगा वो होगा, लेकिन वही यूट्यूब चैनल आपको लाइव मार्केट में नहीं करके दिखाते। तो इससे है कि लाइव करके दिखाने के लिए दम होना चाहिए तभी आपको लाइव देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे न्यू वाले हैं उनको मैं यहाँ से रेफरेंस करके दिखा देता हूँ जिससे उनको ये ना लगे कि कुछ अलग है, और जिससे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जैसा बोला था कि हम $1,000 विड्रॉल करेंगे तो हमने विड्रॉल प्रूफ वीडियो को स्टार्टिंग में लगा दिया था। तो लगाने का पर्पज़ यह है कि अच्छे से समझ में आए, लोगों को ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आपको इस तरह की वीडियो कोई नहीं दिखाता पर हम दिखाने की कोशिश करते, हम जो बनाते हैं नए ट्रेडर के लिए वीडियो बनाते हैं तो नए ट्रेडर के लिए हम जितना लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे उतना ही वो अच्छे समझ में आएंगे, प्रीवियस चार्ट पे तो कोई भी समझा देता है। चलते हैं लाइव चार्ट पे, हम रेडी हो जाते हैं किस तरीके से। बिल्कुल हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करेंगे और वो भी देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता, ना इंडिकेटर 100% होता ना प्राइस एक्शन 100% होता, ओवरऑल हम प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल हमारा ये बैलेंस है और कुछ ट्रेड मैंने ये की थी आज की डेट में, ये भी दिखा देता हूँ, ये आज की डेट की ट्रेड है ये वाली, और सारे डिफरेंट डिफरेंट पेयर हैं, सभी का टाइम फ्रेम भी अलग है। तो ये ट्रेड मैंने इसको वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये 5 मिनट पर टेस्ट किया था, ये देखो ये भी 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये अलग है थोड़ा सा 4:43, ये 4:04, ये वाला ये भी सारे हम 5 मिनट किए। तो इनसे हमें जितना प्रॉफिट आया था वो मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट आया था इतना और टोटल हम आज का टारगेट रखेंगे 1,000। तो चलते हैं प्राइस एक्शन के लिए, रेडी हो जाते हैं। तो प्राइस एक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम करते हैं। प्राइस एक्शन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है,
और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन होती है, उसी के जैसे ही ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो गाइज मैं चलता हूँ अपने धन प्लेटफॉर्म पर, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता रहता हूँ, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ। तो आज का जो प्रॉफिट था 29,000 था, और इसका भी सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन बेस पर ही ट्रेड किया था और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हुआ। कल भी हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, आज इसका 30,000 के आसपास। तो इसको मैं अभी रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे और लोगों को कन्फर्म हो जाए। तो धन ब्रोकर मैं स्पेशली यूज करता हूँ, यूज इसलिए करता हूँ कि देखो ये आपको ट्रेडिंग व्यू वाला प्लेटफॉर्म देता है, इसी से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो मेरी जो इंस्टाग्राम पर रील्स हैं इसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं नॉर्मल फ़ोन से, तो इसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो धन सबसे बेस्ट है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। इसका प्राइस भी देख सकते हैं 1,000 के आसपास पर मंथ, और ये प्रो वाला 2,000 और ये 4,000 पर मंथ। तो इसमें हमें प्रीमियम वाला फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने पर। बाकी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रोकर है ये, और इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं यूज करता हूँ तो मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ कि आप भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज प्राइस एक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक लाइन ले ली और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, और इसमें भी देखो ड्रॉ हो गया। अब क्या है कि ये हमने 1 मिनट पर ड्रॉ किया है, तो मैं जो ट्रेड करूँगा इसमें 5 मिनट के करूँगा, तो क्या है कि ये यहाँ तक आ जाएगा हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने अब ये यहाँ से 5 मिनट के टाइम के साथ, और ये मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, और थोड़ा सा इसमें मैंने $100 की ट्रेड प्लेस कर दी। लेकिन मैं आपको अपना मनी मैनेजमेंट में, तो गाइज़र ये जो हमारी वेबसाइट है ये मैंने स्पेशली बनानी पड़ी क्योंकि मेरे नाम से बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। तो इसमें ये rajivrajput.com ये सिर्फ हमारा है, इसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे सारे फेक मिलेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम, हमारे पब्लिक टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग टेलीग्राम सर्च करके आते थे वो फेक, जो फेक स्कैमर हैं उनके पास चले जाते हैं। तो स्पेशली rajivrajput.com बनाया कि जिससे लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, और स्पेशली इसलिए बनाया कि मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, नहीं लिया था, ना लिया है, नहीं किसी से पैसे मैं लूँगा। तो इसलिए मैंने वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट पर जाने के बाद हम सीधा ज्वाइन टेलीग्राम करेंगे, तो ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा यहाँ से, मैं यहाँ से ओपन कर दिया, तो ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम ओपन हो गया। तो इसलिए वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ये लगा कि लोग सर्च करके जो आते थे उनको बचाया जा सके। और दूसरा, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये सी जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर इस तरीके से यहाँ भी URL में पेस्ट करता रहता हूँ, तो ये वाला URL है, इससे इस URL से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, बाकी के इसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है और पिन मैसेज भी किया हुआ है, देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, हमने अपने सब्सक्राइबर से किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते। अगर आपसे कोई भी राजीव राजपूत का नाम लेकर इन्वेस्टमेंट मांग रहा है तो ना दें। अगर आप फिर भी ऐसे व्यक्ति को पैसा देते हैं तो राजीव राजपूत की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से, इन लोगों से बचाया जाए, क्योंकि ये स्कैमर ग्रुप क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का फेक नाम से आईडी बना लेते हैं और नए नए जितने भी हमारे ट्रेडर होते हैं उन्हीं को फंसा लेते हैं। तो हमारी मुहिम यही है कि हमारी जो मेन मोटिव है कि मेरा राजीव राज का जो मेन मोटिव है कि न्यू ट्रेडर को सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए मैंने वेबसाइट बनाई। वेबसाइट के साथ साथ इसमें आपको मनी मैनेजमेंट भी मिलेगा, जैसे कि हम VFX अलर्ट का पासवर्ड देते थे उसी तरीके से इसका भी पासवर्ड है। तो ये भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पासवर्ड दे देता हूँ, किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करता। तो जैसे मैंने VFX अलर्ट का लाइसेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था और देता भी रहता हूँ, तो मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, तो ये भी फ्री में देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से साइन इन कर लिया, साइन इन करने के बाद मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, और यहाँ से अपनी कैपिटल $10,000 मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। और जो टोटल ट्रेड हम जो फिल करेंगे, सिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमारी 6 में से 1 ट्रेड भी विन हो जाती है तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो 102 का ट्रेड अमाउंट रहेगा, तो हम यहाँ फिल कर देंगे 102। तो गाइस अब प्राइस एक्शन की यही पावर होती है। देखो मैंने एनालिसिस किया था, एनालिसिस को मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से ये मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनना था, और दूसरा से यहाँ हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर पेंडल पैटर्न बनना था। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़े फॉर्मेट में, मैं आपको अगर यहाँ पर मिलता हो तो ड्राइंग का टूल,
ये ट्रेड हमारी श्योर शॉट एकदम मस्त वाली तरीके से विन होगी, तो इसको यहीं रहने देते हैं। और इसमें यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, पर यार अब की बार मैं समझा रहा हूँ इसमें, पैसे में नॉर्मल चार्ट से बता दिया करूँगा। तो इसके बाद इसने ये बनाया अपना पैटर्न, चलो कोई नहीं समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये यहाँ से इसने मूव करा यहाँ के लिए, और उसके बाद फिर ये मूव आ गया यहाँ से और सीधा ये डाउन के लिए आ गया। तो ये दिखाने का पर्पज़ यही था कि प्राइस एक्शन इस तरीके से, प्राइस का एक्शन का मतलब है कि प्राइस ने इस तरीके से एक्शन किया, जैसे कि इसमें गया, ऊपर गया, इधर गया, इधर गया। तो इसको इसको भी हम बोलते हैं एम पैटर्न बोलते हैं इस तरीके से। और यहाँ भी ट्रेड बनती थी, यहाँ ट्रेड हमारी बिन हो जाती, और डबल टॉप भी बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं समझने के लिए, लेकिन फिक्स कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या है कि ये बिल्कुल हम प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हैं बिल्कुल ब्लैंक चार्ट पर करते हैं। तो किसी को एम पैटर्न दिखेगा, किसी को डबल टॉप दिखेगा, किसी को हेड एंड शोल्डर दिखेगा। बाकी मैंने बाकी जो सारी चीज़ बताई आपकी नॉलेज के लिए बताई। अब जो हम यहाँ ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो लगता था कि ऐसे ही है, मार्केट में काम नहीं करती, तो उसका मैं लॉजिक आपको प्राइस एक्शन के तौर पर समझाने कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ जैसे ही जो ट्रेंड लाइन को यहाँ कर देंगे, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, और मैं अपना जो सेटअप था वो उसका शॉर्ट ऑफ सेटअप का लॉजिक मैं बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार इसमें रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब है कि इसने इसका ब्रेक किया और एक बड़ी सी कैंडल बनी, और डायरेक्ट मूवमेंट जो मार्केट का था वो डाउन की तरफ आया एकदम से। अब क्या है कि मार्केट डाउन में जा रही है, तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट चलती चली जाएगी यहाँ तक, है किसी ना किसी पॉइंट पर वो रिवर्सल लेगी। तो रिवर्सल के लिए इसने यहाँ से रिवर्स किया, तो रिवर्सल लिया तो ग्रीन कैंडल। तो ये थोड़ा सा जैसे कि जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो वो अपना यहाँ पर आते हैं डाउन की तरफ, अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मान लो किसी ने भी सेल किया है यहाँ से, तो उसका टारगेट होगा कहीं तो बुक करेगा ना, सेल किया है तो बाय भी करेगा, तो यहाँ से बाय करेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा। अब दूसरा जो सेटअप बनता है हमारा, जैसे 1 2 3 4 5 लगातार ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल के लिए हम डाउन के लिए ट्रेड करते थे, तो उसका लॉजिक ये था कि जैसे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन बनाया, डाउन आया, एक्शन बनाया। अब जो फॉरेक्स में जो ट्रेड करते हैं उनका क्या है कि यहाँ स्टॉप लॉस लगा के डाउन के लिए, जैसे यहाँ रेड कैंडल बनेगी डाउन के लिए ट्रेड मार देते हैं। तो अब ये एक ट्रेड हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा देन ये फिर और तरीके से मूवमेंट करेगा डाउन की तरफ। तो चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं भी समझ में आएगी तो कोई बात नहीं है, और वीडियो आती रहेगी समझ में आ जाएगी, मेरे भी बहुत टाइम में समझ में आया था। तो ये है कि इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जैसे फॉरेक्स में होता है, लेकिन जैसे ही इस लेवल से डाउन आ जाएगा तो ये हमारा प्राइस एक्शन बना देगा इस तरीके से। तो ये कोशिश नहीं कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ से इसने ब्रेक किया और इस तरीके से है, और ये डाउन की तरफ आएगा। तो ये अगर यहाँ इससे ऊपर जाता है तो ये फिर अपना अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगा। लेकिन ये है कि जैसे ये रेड बनी थी और तुरंत एक और इसका लो ब्रेक कर देता, तो इसमें हम ये प्राइस जैसे घूम के आता तो यहाँ ट्रेड मार देते हैं। लेकिन अभी भी इसमें वेट करेंगे, उससे पहले हम दूसरा पेयर में देख लेते हैं कुछ दिखता है था। तो गाइस अब हम रेडी हो जाते हैं, दूसरे पेयर में आ गए। इसमें आपको मैं ट्रेंड लाइन के एक लाइन जो है, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि एक लाइन है जिसको मैं यूज कर पा रहा हूँ, बाकी की इसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर इसने सपोर्ट पर अपना रेजिस्टेंस ले लिया, तो मैं जल्दी से एक 5 मिनट की ट्रेड अपसाइड के लिए प्लेस कर देता हूँ। और इसका लॉजिक ये रहेगा, इसमें थोड़ा सा इसी कैंडल से मैं बताऊँगा, इसने यहाँ अपना ये बनाया, तो ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, तो ये मोमेंटम हमारा इस तरीके से करेगा, जैसे कि होता है ना ये कि ये यहाँ से मोमेंटम आया ऊपर गया और यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जाएगा। अब ये क्यों जाएगा वो उस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, अब इसने पूरा अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है मूव। तो मैंने अपसाइड के लिए क्यों एंट्री बनाई, अगर ये इसको डाउन की तरफ जाता तो ये तेज़ी से डाउन आ जाता, लेकिन यहाँ की इसने एक बड़ी कैंडल बना दी तो ये अपसाइड के लिए हमारी कैंडल बन गई। अब क्या है कि वही चीज़ अब हम जो यूज कर रहे थे अपनी पुरानी वीडियो में, तो ये उसका यही मतलब था, लगातार रेड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से अपना प्राइस मोमेंटम कर रहा है। और जैसे कि किसी ने यहाँ सेल किया था, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस समझाया था कि ये इस लेवल पर ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ स्टॉप लॉस लगा के डाउन के लिए आ जाते हैं, जैसे ये ग्रीन बनी डाउन के लिए आ जाते हैं, ये बनी डाउन के लिए आ जाते हैं। तो सेम सेटअप ये था, अगर हमारी प्रीवियस स्ट्रेटजी को इसमें ऐड किया जाए
और प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया। और जैसे यहाँ से रिवर्सल ले रहा है प्राइस, तो उसके हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग ये था डाउन की तरफ, इसमें रेड कैंडल बनी, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद जस्ट ये ऊपर को जाएगा, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी थी उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा नॉलेज अपग्रेड भी ज़रूरी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अगर प्यार करते हैं आप, वीडियो को देखते हैं, अच्छा इससे कुछ सीख भी मिल रही है, क्योंकि मेरे से जितना आप सीखा जाए वो इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बदले में आपसे कोई भी हम पैसे चार्ज नहीं करते, आप अच्छे से एक वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशनल बना रहेगा और इसी तरह की हम लर्निंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने आपको लर्निंग इसमें एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑन द कॉल, जैसे भी टेलीग्राम कॉल के थ्रू आपका अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी इस ट्रेड को वेट करते हैं कंप्लीट होने तक का। तो गैजर ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आएगा हमारा 103, तो मैं यहाँ बढ़ दूँगा 10। तो देख सकते हैं कितना तगड़ा मूवमेंट यहाँ पर आया, और प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ, ये ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो गया। एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर देता हूँ, तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ भी प्राइस एक्शन बन सकता है। तो ये रहा, मैं इसको क्लोन को कॉपी कर दिया। अब क्या है कि ये, चलो कोई नहीं, यहाँ से उठा के इसे यहाँ कर देता हूँ इस तरीके से, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ बनेगा नेक्स्ट प्राइस एक्शन। अब इसी पेयर में क्या है कि यहाँ से इसमें इस तरीके का इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और इसका भी मैं यहाँ पे क्लोन बना देता हूँ, तो इसका क्लोन यहाँ इस तरीके से बन गया। तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया और इस तरीके से एक मैं प्राइस एक्शन को, इसको लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी और ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर मैं भी इसी पेयर पर इसको टेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और सेम लॉजिक आप देख सकते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी थी, लगातार ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और हमने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, और इसका देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो गाइस यार ये ट्रेड हमारी विन हो गई, और मैं इंस्टाग्राम पर रील भी बनाता रहता हूँ, तो सेम ऐसी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो हमारे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, जो सेम यूआरएल आपको टेलीग्राम का वो इंस्टाग्राम का। तो कैसा लगा आपको प्राइस एक्शन, एक वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। दूसरे पेयर में चलते हैं, सर्च करते हैं, सेम यहाँ भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँगा। ड्रॉ करने के लिए मैं गलत सिलेक्शन ले लिया, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के जो लाइन है इसको हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये जो आपको लॉजिक मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो यहाँ भी मैं 5 मिनट की ट्रेड के साथ मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। यहाँ थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि इस लेवल से ये रिवर्सल भी ले सकता है और इस तरीके से ऐसे करके घूम के दोबारा आ सकता है। कोई नहीं, मार्केट में अगर ट्रेड लेते हैं तो रिस्क तो हर ट्रेड में रहता ही है, अगर इतना रिस्की नहीं होता तो हर आदमी ट्रेडर होता और अपना प्रॉफिट कर रहा होता। अगर ट्रेड ये लॉस होती है तो उसके लिए हमने मनी मैनेजमेंट बना रखा है, ये मनी मैनेजमेंट, इससे हमारी कोई भी ट्रेड लॉस हो जाती है तो ये हमारा मनी मैनेजमेंट रिकवर करा देता है। ये ट्रेड लॉस हो गई जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उसके लिए हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, और मैंने यहाँ पे लॉस फिल कर दिया और सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आएगा हमारा 230, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा 230। यहाँ प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, जैसे इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा डाउन के लिए हम एंट्री बना देंगे। तो यहाँ पे एंट्री हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये है,
और मैं यहाँ पहले एंट्री बना लेता हूँ। मैंने ये यहाँ पे 5 मिनट के लिए एक डाउन के लिए एंट्री बना दी है। अब दूसरा आपको मैं इसी का कॉपी क्लोन बना के दिखाता हूँ। और इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी दिखा देते हैं। 1 2 3 रेड कैंडल, इससे क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट सेल आया और यहाँ से अपने बायर एक्टिव हो गए। और ये लगातार इसमें ग्रीन कैंडल बनी और जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग भी ये ट्रेड हमारी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। ये ट्रेड हमारी विन होगी और चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। और मैं यहाँ कैपिटल विन यानी कि W पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद 104 हमारा नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आया, तो मैं ही इसको फॉलो करूँगा 104। तो गाइस यार कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे से कि आप ये मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि यार मैंने जो अपना लाइफ में सीखा है ना, किसी भी चीज़ को लाइफ को लेकर हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज़ का मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी डेली जो लाइफ है रूटीन उसका भी मैनेजमेंट होता है, कॉलेज हो कंपनी हो हर किसी का मैनेजमेंट होता है। तो सेम हम अपना पैसे को भी मैनेजमेंट अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने पैसे का भी मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पर लेंथ ऐड करता हूँ और ये लेंथ थोड़ी सी बड़ी रहेगी और बड़ी का मतलब है कि थोड़ा सा आपको और डीपली समझने को मिलेगा। ये लेंथ थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं क्योंकि मैं लाइन ड्रॉ आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे तो चार्ट पे दिखाई दे जाता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इसको ड्राइंग को कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ से इसको क्लोन बना लिया और इसको मैं और भी कहीं ऐड करूँगा तो आपको दिखेगा कहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो एक इस तरीके से भी बनती हैं बड़ी बड़ी लाइन, जैसे ये है यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ भी। तो यहाँ से मैं सीधा फॉर्मेट के लिए एक बाइक के लिए अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। और ट्रेड प्लेस करने का लॉजिक ये है कि देखो यहाँ से ऐसे करके मोमेंटम हुआ, प्राइस एक्शन यहाँ आया फिर यहाँ आया और यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकता है क्योंकि 100% इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ कोई भी नहीं है। और ओवरऑल मैनेज ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो प्रॉफिट डिपेंड करता है। ये ट्रेड विन हो गई और ओवरऑल हमारा डॉलर प्रॉफिट होगा $800 के आसपास। तो चलते हैं मैनेजमेंट पर। मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे विन सबमिट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 105, तो मैं यहाँ फिल कर दूँगा 105। देखो गाइज मैंने इसको पहले ड्रॉ कर दिया था, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो किस तरीके से जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया था ना उसी के अकॉर्डिंग ये बना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा हम दूसरे ट्रेड में बिजी थे तो ये ट्रेड हमारी यहाँ विन हो जाती। तो जैसा यही मतलब होता है प्राइस एक्शन का। अब दूसरा ये है कि जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा तुरंत ही अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। और जो हमारी वाली स्ट्रेटजी थी जो लोग बोलते थे काम नहीं करते उनके लिए मैं बता दूँ, देखो कैसे काम कर रही है। ये यहाँ आया जैसे कि हमने यहाँ ट्रेड ली थी, उसके बाद ये ऊपर गया, लगातार इसमें ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी और कितनी प्यारी सी यहाँ बनी। और देखो उसके बाद फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, बहुत ही छोटी कैंडल, इसका लोअर क्लोज देख सकते हैं 1 पॉइंट का अंतर बस। तो मार्टिंगल करते इसमें विन हो जाते हैं। अब क्या है कि मैं चलता हूँ दूसरे पेयर में। तो इसमें चलते हैं, इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये देख सकते हैं प्राइस एक्शन ऐसे करके इसमें एक्शन हो रहा है प्राइस का। और इसने यहाँ एम पैटर्न बना दिया, तो ये टू जेड टॉप बोलते हैं इसको, यानी कि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे इसको इस तरीके से इसने मोमेंटम किया, यहाँ इसे ब्रेक कर दिया फिर डाउन आया, फिर इस तरीके से मोमेंटम ये इस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा इस लेवल तक, फिर ऐसे आएगा फिर देन ऊपर जाएगा। और एक जो सिंपल शॉर्टकट जो लेंथ थी वो यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ इस तरीके से इसमें ट्रेड बनती है अपसाइड के लिए,
लेकिन मैं इसमें जो ट्रेड बनाता हूँ, मैं जैसे इस लेवल पे रुका कि यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके करता हूँ मोमेंटम, उसके बाद ब्रेक करता हूँ, देन मैं एंट्री करता है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से चल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसमें होगी, तो इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। दूसरे पेयर में देख लेता हूँ, इसका लॉजिक देख सकते हैं, यहाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया और दूसरा नीचे से भी एक बनना है यहाँ पर, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको इसने इसको भी कर दिया। तो गाइस यार मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये सारी ड्रॉइंग है ना इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जब तक बनी रहेंगी ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा बना रहता है। तो सबसे अच्छा ट्रेड हमारा यहाँ मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कैंडल इसमें हम ड्रॉ करेंगे, तो आप सबके सामने मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया, थोड़ा यहाँ भी ऐड कर लिया, और इस तरीके से इसने इसका ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा निकल गया, हम लेट हो गए, लेकिन अगर इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ तो थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाएगी, ये ट्रेड मुझे यहाँ प्लेस करनी थी, तो कोई नहीं, रिस्क तो ट्रेडिंग में है ही है, फिर भी मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, मैं विन फिल कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 106, तो मैंने इसमें ड्राइंग कर ली है, और ये जो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड बनेगा, जैसे ही इसको या तो इस लाइन को ब्रेक करेगा या फिर अपनी ये वाली अपर वाली लाइन को ब्रेक करेगा, तो इसमें हम अभी वेट कर लेते हैं, दूसरे पेयर में देखते हैं तब तक। तो गाइस यार इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं 5 मिनट के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, ड्राइंग आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी। देखो इसको, ये जो बार बार इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ आया उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैंने अप डायरेक्शन के लिए इसमें ट्रेड कर दी, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस तरीके से जैसे ये वाला था, यहाँ भी ड्राइंग में आपको बता रहा हूँ, यहाँ इसका सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, उसने धीरे 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 इसको यहाँ ब्रेक कर दिया, तो यहाँ भी ये ऐसे चल रहा था, ऐसे करके जा रहा था। तो इसमें हमसे क्या गड़बड़ हो रही है कि ये जो ट्रेड हमने थोड़ी सी इस वाली कैंडल में फुल बॉडी बन गई थी, तो मुझे लगा कि इसमें फास्ट मूवमेंट है, इसलिए मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन ये थोड़ा सा अभी ऐसे घूमेगा देन ऊपर जाएगा, तो वेट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि ये जैसे इस वाली लाइन को तो इसने ब्रेक किया नहीं, लेकिन ये अपने डाउन वाले को ब्रेक कर दिया, तो मैं अपने मैनेजमेंट पर जाके अपनी जो ऊपर वाली ट्रेड थी उसको मैंने लॉस फिल कर लिया, और मैंने यहाँ इसको सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 236, अभी वो लॉस नहीं हुई, लेकिन मैंने बड़ी मूवमेंट की वजह से रेडी हो गया, ये लॉस हो गई 236। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ भी इसने बड़ी कैंडल बना दी, अगर मैं एकदम से बनाता हूँ तो फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाएगी ये, इसने जो तेज़ी से मोमेंटम कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ फिर डाउन के लिए प्लेस कर ही देता हूँ, और ये देखते हैं इसका भी क्या रिजल्ट आएगा। और ये थोड़ी जल्दबाजी में 3 मिनट की प्लेस हो गई ये वाली, ये मुझे 5 मिनट में प्लेस करनी थी, तो देखते हैं दोनों ट्रेडों को क्या रिजल्ट आता है। दोनों जगह से हम फंस गए, ऊपर से भी डाउन से, और ये बीच में रुक जाएगी कहीं भी तो दिक्कत होगी, तो इस तरीके की दिक्कतें नए नए ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, और ये चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, तो कभी ना कभी फेस आ जाती हैं, तो ये मेरे साथ हो गया। तो एकदम नीचे का डाउन के लिए लगा दी, ऊपर गया एकदम से मोमेंटम डाउन की तरफ आ गया था, तो देखते हैं दोनों का क्या रिजल्ट आएगा फिर। गाइजर ये ट्रेड हमारी बिल्कुल विन हो गई, और विन होने के साथ साथ ये वाली जो ट्रेड का लॉस था ये हमसे रिकवर हो गया, तो बाल बाल बिल्कुल लास्ट सेकंड में ये ट्रेड विन हुई है। इसका मैं दिखा देता हूँ, इसका इस तरीके से 1 पॉइंट से विन हुई है, तो ये रिस्की ट्रेड थी हमारी, जिससे क्या है कि इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करनी है, जब तक ये ट्रेड ख़त्म नहीं हो जाए दूसरी ट्रेड नहीं करनी। तो चलते हैं, मैंने यहाँ पर अपना विन फिल कर दिया, तो ओवरऑल देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, और ओवरऑल हमें $2 कम अकॉर्डिंग 1000। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसको मैं अपना विड्रॉल करता हूँ, जैसा कि हमने आपको फिर अपनी जो D1 की वीडियो उसमें बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें विड्रॉल के लिए जाता हूँ। तो विड्रॉल के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ जाने के बाद इसमें 1000 USDT फिल कर दिया, और मैं अपना वॉलेट निकलता हूँ।
तो सबसे पहले मैंने अपना वॉलेट एड्रेस कंप्लीट कर लिया, मैं इसको पेस्ट कर दिया। और जो नेटवर्क रहेगा हमारा TRC20, और मैंने इसको यहाँ से कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म के बाद एक मेल पर OTP आएगा, इस मेल को मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा। तो OTP आ गया मेरे पास, 7083 06। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया और विड्रॉल रुका, सक्सेसफुली सेंड हो गई। और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अभी इसमें वेट है। जैसे ही कंफर्म आ जाएगा उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको इसमें लगा दूंगा, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ।